आज आपको सिखाने वाले हम प्रतिशत निकालना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 180 का 90% निकालना है, तो हम 180 यहाँ पे लिख लेंगे। का मतलब होता है गुणा, यहाँ पे गुणा लिख लेंगे। 90% निकालना है तो यहाँ पे 90 लिख देंगे, और बटे में हमको 100 से निकालना होता है, क्योंकि जब भी हमको प्रतिशत निकालना होता है तो 100 से ही भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जीरो है, तो इस जीरो से इस जीरो को काट दिया जाएगा, और इस वाले जीरो को इस जीरो से काट दिया जाता है। अब 18 का हम 9 से गुणा करेंगे, तो 9 8 72 कैरी आएगा आपका 7, 9 1 9, और उसमें हम जब 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 आएगा, यानी कि 180 का 90% जो होता है 162 होता है, तो हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले का देखेंगे, 80 का 80% हमको निकालना है, तो यहाँ पे हम 80 लिखेंगे, और का मतलब मैंने बताया कि गुणा होता है, यहाँ पे गुणा करेंगे, और 80% निकालना है तो 80 लिखेंगे, और बटे में हमको 100 हमेशा लेना होता है, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 का ही भाग दिया जाता है। तो यहाँ से एक कैरी मतलब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और दूसरे जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब 8 का हम 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 8 64 आ जाता है, तो इसका आंसर हो गया 64, यानी कि 64। तो 80 का 80% जो होता है 64 होता है। इसी तरीके से हम तीसरा वाला एग्जाम्पल लेंगे, 100 का मतलब होता है गुणा, और 95% जिसका लेना है तो 95 हम यहाँ पे लिख लेंगे 95, और बटे में हमेशा 100 लेना होता है, तो 100 ले लिया, और इस दोनों जीरो से ये जीरो जीरो कट गया। अब 95 का अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो केवल 95 ही आएगा, यानी कि 100 का 95% जो होता है 95 नंबर ही आएगा आपका आंसर। ये आपका हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा चौथा वाला देखते हैं, तो 40 है, का मतलब होता है गुणा, और 10% 40 का निकालना है, 10 लिख लेंगे, बटे में हमको 100 लिखना है, तो 100 लिख लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, वरना 4 का 1 से जब हम गुणा करेंगे तो 4 1 4 ही आता है, तो 40 का 10% जो होता है 4 होता है। और इसी तरीके से ये लास्ट वाला हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, और 50 का 90%, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 50 का मतलब होता है गुणा, तो गुणा कर देंगे, यहाँ पे 90 है तो 90 लिख देंगे, और बटे में जो है 100 लिखा जाता है तो 100 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब इसका हम इससे गुणा कर देंगे, तो 9 बचे कितना हो जाता है 45, तो 50 का 90% जो होता है 45 होता है। ये आपका आंसर आ गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।